है तो तो दोस्तों, जिस तरह की वीडियो आपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा वैसा ही वीडियो हम बनाने वाले हैं। ऐसा वीडियो कैसे बनाएंगे मोबाइल से, तो वो हम आपको सिखाएंगे। ना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन वीडियो हम डालते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कायन मास्टर ओपन कर लेना है, तो हमने करके रखा है। तो अब हमें एक इमेज सेलेक्ट करना है, तो मीडिया पे क्लिक करेंगे और एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ब्लैक कलर का हमने इमेज सेलेक्ट कर लिया है और जितना वीडियो आप रखना चाहते हो उतना आपको बढ़ा लेना है। इसके बाद कलर पे क्लिक करेंगे और ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये कलर आ जाएगा। इसके बाद एरो पे क्लिक करेंगे, लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, एक शॉर्ट वीडियो को सेलेक्ट करेंगे जो अभी हमने बनाया था, तो ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया है। और इसका हम ऑडियो निकाल लेते हैं। तो इसके लिए ऊपर को स्क्रॉल करना है और एक्ट्रेड ऑडियो में क्लिक कर देना है, तो ये ऑडियो निकल जाएगा और वीडियो को डिलीट कर देना है। तो मेरा ये ऑडियो निकल के आ गया है, इसी के हिसाब से आपको ये रख लेना है। उसके बाद अब हमें ये देखना है हमारे वर्ड कहाँ तक हैं। इतना है तो इसे कट कर देंगे, कैची पे क्लिक करेंगे और इसे कट कर देंगे। और इसके बाद हम एरो पे क्लिक करेंगे और लेयर पे जाएंगे और टेस्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हम लिख लेते हैं, ओके पे क्लिक कर देना है। और अब हम इसकी लेयर को बढ़ा लेना है, ऐसे जितना आप स्क्रीन पर रखना चाहते हो उतना आपको बढ़ा लेना है। जैसे कुछ हमने बढ़ा लिया है और इसे बीचा बीच में सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें इसे लेयर को इसके बराबर ही रख लेना है, ऐसे कर लेना है। इसके बाद अब हम फॉन्ट देंगे, करना तो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और माई फॉन्ट पे क्लिक कर लेंगे। माई फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद ऊपर को स्क्रॉल करेंगे और ये वाला फॉन्ट दे देंगे और राइट कर देंगे, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जितना आप रखना चाहें उतना रख लेना है। अब हमें को कलर देना है, तो कलर पे क्लिक करेंगे और ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए आपको ऊपर को स्क्रॉल करना है, तो इसे आउटलाइन देंगे, आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और इसे अनवेल कर देंगे। और इसको जितना आप रखें उतना रख लेना है, तो हम दो नंबर तक रखेंगे इसे और एरो पे क्लिक करेंगे। अब इसे साइडो देंगे, साइडो पे क्लिक करके इसे अनवेल कर देंगे। इसे भी आप जैसा रख देना चाहते हो उतना देना है। तो इसके बाद अब हम लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और एक इमेज सेलेक्ट करेंगे। तो ये वाला हम इमेज सेलेक्ट कर लिया है और इसको बड़ा कर लेना है, ऐसा कुछ कर लेना है आपको। करने के बाद कलर पर क्लिक करेंगे और यही वाला कलर हम सेलेक्ट, ये वाला कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें इसको इसके बराबर रख लेना है, ऐसे कर लेना है। अब हम चाबी पे क्लिक करेंगे और इस प्लस कर देंगे। इसके बाद आगे लेंगे और इसको भी ऐसे आपको आगे बढ़ाते जाना उंगली के सहारे से, और ऐसे ही आपको जैसा बढ़ा रहे हैं हम वैसे ही आपको बढ़ाना है और इसे बाहर कर देना है। इसके बाद हम देखेंगे एक बार, ये बन गया है। अब हम लेयर पे क्लिक करेंगे और स्टिकर पे क्लिक करेंगे। तो अब हम एक स्टिकर को सेलेक्ट करेंगे, तो तितली को करेंगे, ऊपर को स्क्रॉल करेंगे और फ्लावर पावर पे क्लिक करेंगे और ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जितना आप छोटा करें उतना कर लेना है और इसे ऐसे घुमा लेना है और इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ा और बड़ा करते हैं इसे, इसे बीचा बीच में सेलेक्ट कर लेना है और इसको बराबर कर लेना है इसके। अब हम चाबी पे क्लिक करेंगे और इसे प्लस कर देंगे। और अब हम आगे लेंगे और इसको भी ऐसे ही उंगली के सहारे से इसको बढ़ाते जाना है, इतना ऐसे ही आपको बढ़ाते जाना है। फटाफट कर लेते और इसे भी बाहर निकाल दें। अब एक बार चला के देखेंगे, दोस्तों हमारा बन गया है। अब इसमें हम तितली वाली लेयर पे क्लिक करेंगे और इसे इन एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और इसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे और इसे एनिमेशन देंगे, स्लाइड ऊपर पे क्लिक कर देंगे, ये वाला हम क्लिक कर देंगे। और ये लेटर वाली पे क्लिक करेंगे लेयर पे और इसे भी हम फॉन्ट दे देंगे, तो यही वाला फॉन्ट इसे भी देंगे। इसके बाद हम एरो पे क्लिक करेंगे और इसे चलाएंगे, देखते हैं एक बार चला के। ऐसे ही आपको बनाते जाना है दोस्तों।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।